Hello students, in the previous lecture we have discussed about the cell wall and its modifications. Okay, so we have discussed about the different kind of organisms and their modification according to the cell wall and their material. कि वो कौन से मटेरियल से बनी है. फॉर एग्जांपल हमने कल बात की थी कि एग्जिस्ट एल्गी की बात करते हैं तब वो सेलुलोज होता है, गैलेक्टिन होता है, मेलन होता है. ओके, सो हम अब आते हैं नेक्स्ट लेयर. लेयर की बात करें मतलब कि सबसे आउटर मोस्ट जो कवर था वो था हमारा कौन, सेल वॉल. बट सेल वॉल हम डिस्कस करते हैं तो कल बोला था क्लियरली कि फंगी और प्लांट में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है, बट प्रोटिस्ट का कुछ ही कैटेगरी में आपको ये मिलने वाला है. बट आज जो डिस्कस होने वाला है इसमें क्या है कि हम लोग जो सेल वॉल की बात करते हैं, सॉरी सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं. अब सेल मेम्ब्रेन माने क्या, कि एनिमल के लिए बात करें, प्लांट के लिए बात करें, प्रोकैरियोटिक की बात करें या प्रोटिस्टा की बात करें, सब में यूनिवर्सल स्ट्रक्चर मिलने वाला है. सो वी आर डिस्कसिंग टुडे सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन अभी तक का जितना भी डिस्कशन हुआ है उसमें हमने एक ही वर्ड बोला है कि फ्लेक्सिबल लेयर जो रिजल्ट है. ओके, और दूसरा कि ये लिविंग लेयर है. इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हम सेल वॉल की बात करते थे तब तक हम वहां पर वर्ड यूज करते थे डेड लेयर. ओके, बट अब यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि ये फ्लेक्सिबल है, मतलब वहां पे क्या था रिजिड, यहाँ पे लिविंग है, वहां पे क्या था नॉन लिविंग. इसका मतलब थोड़ा डिफरेंट है या ऑपोजिट कैरेक्टर हम बोल सकते. बट ये सेल वॉल मेम्ब्रेन का डिस्कशन कब से स्टार्ट हुआ, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950 में रिसर्च हुआ. मतलब कि जब नॉर्मल माइक्रोस्कोप को पहले से पता था सबको, साइंटिस्ट को भी पता था, बट जब ये इन्वेंट हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1915 में, और उस टाइम में उन लोगों ने सिर्फ स्टडी किया था किसको, तो आरबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल, मतलब हमारे नॉर्मल ब्लड सेल की बात करते. तो उस आरबीसी के स्ट्रक्चर की बात की. अब नॉर्मली क्या होता है कि आरबीसी हमारा बाइकॉनकेव होता है, कुछ इस टाइप का सर्फेस होता है बाइकॉनकेव का. अब इस बाइकॉनकेव सर्फेस की बात की तो एक्चुअल में आरबीसी एनिमल प्लांट सेल रहेगी. अब अगर प्लांट सेल होता तो वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट होती, बट हमारा आरबीसी तो क्या है, तो एनिमल सेल. अब एनिमल सेल है इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये जो भी बाउंड्री दिख रही है वो बाउंड्री रियल में क्या है, तो कि सेल मेम्ब्रेन. और इसी सेल मेम्ब्रेन का हम लोगों ने स्टडी किया. जब स्टडी किया तो पता चला कि इसमें तो क्या प्रेजेंट है, तो लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है. ओके, और उसके साथ कुछ जगह पे एम्बेडेड प्रोटीन प्रेजेंट है. क्या चीज है कि हम अपने स्टेटमेंट करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में लिपिड उनके पास क्या है, बाइलेयर के फॉर्मेट में है, और दूसरा स्ट्रक्चर उनके पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन. अब बात आती है कि उन लोगों ने क्या किया कि आरबीसी का डिटेल स्टडी किया. अब आरबीसी का डिटेल स्टडी किया तो पता चला कि आरबीसी में तो 52% तो प्रोटीन था. क्या प्रेजेंट है, 52% प्रोटीन, और रिमेनिंग 40% में उनको मिला लिपिड. ओके, जनरली हम लोग बोलते हैं कि लिपिड बाइलेयर मतलब मैक्सिमम लेयर किसका होना चाहिए, लिपिड का, और उसके साथ प्रोटीन होना चाहिए. बट जब आरबीसी का स्टडी किया तो उनको पता चला कि 52% एरिया किसने कवर किया है, प्रोटीन. 40% एरिया किसने कवर किया है, लिपिड. अब क्वेश्चन यहाँ पे नीट के लिए आ सकता है कि भाई टोटल अगर परसेंटेज की हम लोग बात करते हैं तो वो तो 100%, अगर इन लोगों का टोटल चलो 50 + 52 + 40 मतलब वो तो होता है 92, तो बाकी का 8% क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन था. जैसे बुक वाले ने भी बताया एनसीईआरटी में कि 8% क्या हो सकता है, तो अब ये चीज हम क्लियर करते हैं कि जो आपका 8% है ना वो होता है ऑलिगोसैकेराइड. ओके, बायोमोलिक्यूलर चैप्टर में लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे. यहाँ पे ऑलिगोसैकेराइड मतलब कि याद रखना है कि वो कौन सी कैटेगरी की बात कर रही है, तो कार्बोहाइड्रेट शुगर. ओके, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑलिगोसैकेराइड, तो ऑलिगोसैकेराइड मतलब कौन सी कैटेगरी की बात कर रही है, कार्बोहाइड्रेट. यानी कि क्या हुआ कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में अभी तक जो बोला गया था, क्या बोला गया था कि भाई लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होगा, प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे एक नया रिसर्च मिला कि जो 8% जो रिमेनिंग था उसमें आपको क्या मिल रहा है, ऑलिगोसैकेराइड यानी कि कौन, कार्बोहाइड्रेट. तो एक प्रूफ ऐसा मिल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए आपको सिर्फ लिपिड प्रोटीन नहीं बट लिपिड प्रोटीन और शुगर कार्बोहाइड्रेट मतलब तीनों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको रहने वाली है. ओके, अब बात आती है कि इनके रिसर्च के बारे में. तो सबसे फर्स्ट जो था रिसर्च वो था डेविसन एंड डेनियल का.
ओके। अब डेप्सन और डेवियर ने क्या किया था कि उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल एक्सप्लेन किया था, उसका नाम था सैंडविच मॉडल। अब सैंडविच मॉडल में जनरली क्या होता है कि दो ब्रेड का लेयर होता है और उसी ब्रेड के बीच में जो पल्प मटेरियल मतलब जो कोई भी टाइप का सैंडविच है वो मटेरियल बीच में रहने वाला है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही उन लोगों ने बनाया क्या कि ऊपर की साइड आपका एक प्रोटीन का लेयर, नीचे की साइड का भी आपका एक प्रोटीन का लेयर, मतलब कि ये हो गया हमारे लिए ब्रेड का स्ट्रक्चर। अब उनके बीच में जो पल्प बनाना है वो था लिपिड बाइंडर कुछ इस टाइप का। अब लिपिड बाइंडर हो गया ऊपर की साइड प्रोटीन है नीचे की साइड प्रोटीन, मतलब कि वर्ड टाइप ऑफ सैंडविच हो गया कि ये दोनों ब्रेड का लेयर हो जाएगा और बीच में आपका पल्प जो भी है वो सैंडविच के हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों जो प्रोटीन का है उनकी साइज थी 20 एंगस्ट्रॉम, ये भी कितना था 20 एंगस्ट्रॉम, और ये जो बीच में लिपिड बाइंडर है वो होता था 34 एंगस्ट्रॉम, यानी कि टोटल कितना होता है 40 प्लस 35, मतलब कि टोटल हुआ 75 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या हुआ कि जो सैंडविच मॉडल की बात की थी जेम्सन और डेमियन ने, उन लोगों ने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर कि भाई प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा दोनों लेयर में और उसके बीच में बाई लेयर क्या होगा लिपिड, बट रियलिटी में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल स्ट्रक्चर नहीं। तो अगर हम प्रोटीन बाहर रखते हैं तो वो तो क्या बन जाएगा वाटर सॉल्युबल, यहाँ पे हमें क्या करना है कि लिपिड या फैट सॉल्युबल बनाना है, इसलिए ये मॉडल ज्यादा एक्सेप्ट हुआ नहीं उस टाइम में। अब आया सेकंड मॉडल था रॉबर्टसन का। रॉबर्टसन ने ऐसा एक्सप्लेन किया उसका कंसेप्ट था, जैसे यहाँ पे इसके लिए बोल सकते हैं हम सैंडविच मॉडल, तो यहाँ पे था यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का मतलब क्या था कि सेल में सेल वॉल को छोड़ दो, अब सेल वॉल को छोड़ देते तो आपके पास क्या बचेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचेगा, और जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में कौन आएगा न्यूक्लियस आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गोल्गी बॉडी आएगा, रिबोसोम आएगा, लाइसोसोम आएगा, बैक्टीरिया आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा। तो इससे ये बता रहे हैं कि सभी का स्ट्रक्चर एक ही टाइप का है, एक ही टाइप का, इसलिए वर्ड यूज किया यूनिट। सबका मेम्ब्रेन का कंपोजिशन भी है इसलिए बोला कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि हरेक ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों की फंक्शन में क्या थी वेरिएबिलिटी थी, इसलिए ये मॉडल भी ज्यादा एक्सेप्ट हुआ नहीं। तो अब बात आई इंप्रूवमेंट की, तो इंप्रूवमेंट में 1972 में थर्ड डिस्कशन में आते हैं, तो 1972 में सिंगर एंड निकोलसन उन लोगों ने पोस्टुलेट किया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बताया हम लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। चलो बात करते हैं कि अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो उसमें स्ट्रक्चर क्या था, तो पहले जो हमारा डिस्कशन है वो क्या कि लिपिड कैसा होना चाहिए, तो कि बायलेयर ब्रीथ क्या होना चाहिए, तो प्रोटीन। अब कंडीशन क्या हुई थी कुछ इस टाइप का, लिपिड का स्ट्रक्चर तो पहले भी हमने डिस्कस किया वही था यहाँ पे। चलो ये हो गया आपका लिपिड बायलेयर। अब बात करनी है आपको कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। चलो ये हो गया लिपिड, पहले लिपिड की डिस्कशन क्लियर करते हैं। तो लिपिड के बायलेयर में ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पोलर हेड। ओके, अब बात आती है तो ये दो एरिया क्या हो जाएंगे, तो ये होते हमारे लिए नॉन पोलर टिंग। मतलब कि क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, जितना भी आपको राउंडेड पार्ट दिखेगा उसके लिए हम लोग वर्ड बोलेंगे हेड, और जितना भी ये जो पार्ट है उसके लिए हम लोग बोलेंगे टिंग। बट क्या बोलेंगे कंसिडर करना यार, कि जो राउंडेड पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर, और जो टेल वाला पार्ट है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर का क्यों डिस्कशन करते, तो इसका आइडिया क्लियर करना कि जो भी पोलर एरिया होगा वो हमारे लिए बनेगा हाइड्रोफिलिक। ओके, ये कौन सा एरिया बनेगा हाइड्रोफिलिक, तो उसका जो अपोजिट है, अपोजिट माने क्या होगा नॉन पोलर, तो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक फिलिक का अपोजिट होगा, मतलब कि टेल बन जाएगा क्या, तो हाइड्रोफोबिक।
मतलब कि ये बॉटम को अट्रैक्ट करने वाला एरिया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेड वाला एरिया है, मतलब कि पोलर हेड या हाइड्रोफिलिक एरिया, वो सब वॉटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट ये लोग क्या करेंगे, वॉटर को रिपल्स करने वाले, इसलिए ये दोनों लेयर के बीच में आपको गैप मिलेगी। ओके, अब बात आती है कि ये तो हुआ आपके लिए लिक्विड बायलेयर का स्ट्रक्चर। अब हमें डिस्कशन करना है दूसरा, प्रोटीन का। अब प्रोटीन जो होता है वो आपके पास दो टाइप के फॉर्मेट में होता है, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, अब इंटीग्रल और पेरिफेरल में क्या डिफरेंस रहेगा, तो समझो कि अगर इस सस्पेंशन के सराउंडिंग में मुझे कोई प्रोटीन लगाना है, ओके, समझ लो कि ये हमारा यहाँ पे बाहर का कोई प्रोटीन है यहाँ पे, तो डस्टर के मतलब कि ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अगर बाहर की साइड कोई प्रोटीन लगता है तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, पेरिफेरल प्रोटीन। बट अगर बीच में कोई लग सकता है तो वो हो जाएगा हमारे लिए क्या, इंटीग्रल प्रोटीन। अब डिफरेंस क्या है इंटीग्रल और पेरिफेरल में, जो भी पेरिफेरल प्रोटीन होगा वो आप इजीली रिमूव कर सकते हो। ओके, बट आप इसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते, ये पहला डिफरेंस हो जाएगा इंटीग्रल और पेरिफेरल के बीच में। अब बात आती है कि इंटीग्रल और पेरिफेरल, चलो पेरिफेरल प्रोटीन हम दिखाते हैं, तो ये हो गया हमारा पेरिफेरल प्रोटीन, चलो ये हो गया हमारा पेरिफेरल प्रोटीन। बट अगर बात आती है कि इंटीग्रल कैसे हो गए, तो इंटीग्रल में दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पार्शियली एम्बेडेड और दूसरे होते हैं फुल्ली एम्बेडेड। चलो दो बातें होगी यहाँ पे, एक होगा पार्शियली एम्बेडेड और दूसरा होगा फुल्ली एम्बेडेड। हम अगर ये पाई लेयर की बात करते हैं और यहाँ पे कोई अगर आपको लिक्विड का स्ट्रक्चर मिलता है तो ये क्या होगा कि बाहर से भाई स्टार्ट हो गया है बट अंदर तक पहुंचा ही नहीं, तो ये हो गया आपका क्या, पार्शियली एम्बेडेड। बट अगर मैं ऐसा कोई प्रोटीन दिखाता हूँ कि जो यहाँ से ले रही यहाँ तक कंटिन्यूस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, फुल्ली एम्बेडेड। थोड़ा डार्क करता हूँ तो समझ में आ जाएगा कि ये हमारे लिए एम्बेडेड प्रोटीन, बट कैसा होगा, फुल्ली। पर ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा ही अंदर जा चुका है इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको पार्शियल। ये हमारे लिए कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, पेरिफेरल। ये भी स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, पेरिफेरल। अब क्या होता है कि जो प्रोटीन दोनों लेयर को क्रॉस करके निकल सकता है, अब बाहर निकल सकता है, तो ये प्रोटीन हुआ, तो इसके लिए एक दूसरा वर्ड हो जाएगा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बनेगा इसके लिए वर्ड, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये किस तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो बना उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोलते हैं, इसका रीजन समझो कि यहाँ पे जो बाइलेयर लिपिड है ना, वो बाइलेयर लिपिड की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो प्रॉपर्टीज बोलते हैं हम लोग, वो होता है क्वासी फ्लूइड नेचर, या बोल सकते हैं हम लोग फ्लूइडिटी। ओके, वो फ्लूइडिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी वजह से आती है, बाइलेयर लिपिड की वजह से। अब दूसरा एक रीजन समझो कि जब भी बाइलेयर लिपिड की बात आती है तो उनकी वजह से जो ये जो प्रोटीन है ना, उनकी वजह से मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, तो वो यहाँ पे होने वाला है। ओके, यहाँ तक आइडिया क्लियर होगा। तो ये सारा जितना भी हमने डिस्कशन किया वो सिर्फ मनुष्य के लिए याद रखना है, सिंगल डिपोजर या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, अब बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में ये तो कितने स्ट्रक्चर हो गए, ये जेनरेशन मेनियन हो गया, रॉबर्टसन हो गया, बट इनके फंक्शन क्या हो सकता है सेल मेम्ब्रेन का। तो फर्स्ट तो एक तो आपको याद रखना है कि उसका रोल होता है सेल डिवीजन में, किसमें रहेगा, सेल डिवीजन में। मतलब कि क्या होगा कि एक में से दो सेल बनते हैं, अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल में तो क्या होता है कि सेल तो होने वाला नहीं, तो बाहर से जो दो पार्ट दो सेल को डिवाइड करता है, तो दो सेल को डिवाइड करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, हमारे सेल मेम्ब्रेन की। फिर बात आती है तो वो सेल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मैच्योरेशन, मतलब कि सेल को मैच्योर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये होता है। ओके, फिर होता है कि इंटर सेल्यूलर जंक्शन,
आपके आगे किस चैप्टर में आएगा कि जब भी दो सेल को कॉन्टेक्ट में रखना है तो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में पैकिंग मटेरियल होता है। जैसे प्रीवियस में हमने सेल वन में बोला था कि दो सेल्यूलर्स को कॉन्टेक्ट में रखने वाला कौन होता है, मिडल लेवल, तो वैसे ही यहाँ पे दो सेल पे मतलब एनिमल सेल की बात करते हैं, तो एनिमल सेल में भी एक दूसरे को कॉन्टेक्ट में रखने वाले सेल्स होते हैं, तो वहां पे रोल कितना रहेगा यहाँ पे सेल मेंब्रेन का। फिर यहाँ पे सिक्रेशन का भी एक रोल है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर लाना है या बाहर से अंदर भेजना है, किसी एक्सेस मटेरियल स्टोर हो चुका है तो उसको रिलीज करना है, तो सिक्रेशन का फंक्शन भी किसके थ्रू होने वाला है, तो सेल मेंब्रेन के थ्रू। एक अलग से फंक्शन आपको याद रखना है एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, तो एक सिंपल एग्जाम्पल अमीबा का ले लो। अगर अमीबा है जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, अगर उसको इस मटेरियल को एंडल्स करना है जैसे कि ये फूड पार्टिकल, तो क्या करेगा, अपने छोटे को कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसके साइड, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, फिर इसको भी इस तरह करेगा और बाद में ये हो जाएगा अंदर की साइड। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है, मतलब क्या कि सेल मेंब्रेन तो हमारा फ्लेक्सिबल है, तो किसी भी मटेरियल को अगर इनपुट करना है तो उसके सराउंडिंग को लेयर बना के हैंडल कर सकता है, तो वो फंक्शन हो जाएगा उसका क्या, एंडोसाइटोसिस। ओके, एक दूसरी बात यहाँ पर कि जो दोनों बाइलेयर हमारा लिक्विड हो चुका है लिक्विड प्रोटीन का, तो उसमें बाहर की साइड अगर हम जाते हो तो बाहर की साइड आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर। क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा डिटेल में करना इसको, आपको यहां पे मतलब कि समझ लो कि ये सेल का आउटर साइड है, ये हुआ आपका क्या सेल वॉल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, तो मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल वॉल की साइड में कौन मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट, बट वो किस फॉर्मेट में मिलता है, तो उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो वैसे ही चलो ये सेल वॉल हो चुका है, ये सेल मेम्ब्रेन हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका कोलेस्ट्रॉल, तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन से इनर साइड मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, तो हमारा साइटोप्लाज्म, तो टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोटीन। क्या मिल रहा है यहाँ पे, प्रोटीन, और प्रोटीन का एग्जाम्पल आपको याद रखना है पेक्ट्रिन प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है स्पेक्ट्रिन, मतलब कि बाहर की साइड कार्बोहाइड्रेट अंदर की साइड प्रोटीन, मतलब दोनों सेम होने की डिफरेंट और डिफरेंट, तो डिफरेंट होने के बावजूद यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज अ एसिमेट्रिकल नेचर। क्या बोलेंगे यहाँ पे, एसिमेट्रिकल, क्यों एसिमेट्रिकल बोलते हैं, तो यहाँ पे क्लियर करना कि आउटर साइड आपको क्या मिल रहा है कोलेस्ट्रॉल, ओके, बट इनर साइड आपको क्या मिल रहा है, तो वो याद रखना क्या प्रोटीन, मतलब कौन सा, तो स्पेक्ट्रिन। अब दोनों चीज सेम टाइप की नहीं है, एक है कार्बोहाइड्रेट एक है प्रोटीन, और उसी की वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल नेचर। ओके, यहां तक का हो गया। अब बात आती है कि सेल मेम्ब्रेन अपने मटेरियल को पास कैसे करेगी, तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। चलो बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो ट्रांसपोर्ट में आपको मतलब कि दो टाइप के मैकेनिज्म मिलेंगे, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाम से पता चल जाएगा पैसिव और एक्टिव में, तो पैसिव में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या रहेगा, नो एटीपी यूज, यानी कि यहाँ पे आएगा कंपल्सरी, तो एटीपी यूज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, तो हाई टू लो कंसंट्रेशन, यहां पे उसका रिवर्स करो तो लो टू हाई कंसंट्रेशन। इसको हम लोग कई बार बोलते हैं हाई टू लो जा रहा है, तो डाउन हिल प्रोसेस बोल सकते हैं या डाउन हिल रिएक्शन बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपको हिल रिएक्शन। ओके, यहां तक की बात है, बट पैसिव में आपको दो टाइप मिलेंगे, एक होता है हमारा डिफ्यूजन, ओके, और यहां पे होता है दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, एक्टिव में कोई टाइप हमें डिस्कशन नहीं करना, यहां पे हम लोग बात करते हैं अगर डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन में चलो ये तो रिपीट कर लो, क्या
कि पहले तो वो वहां से वहां जाने वाला है, तो हाई टू लो कंसंट्रेशन इसके लिए भी चल जाएगा क्योंकि डिफ्यूजन तो आ रहा है, तो यहां पे भी क्या होगा आपका हाई टू लो कंसंट्रेशन। यहां पे क्या होगा दूसरा कि एक कोई भी एटीपी यूज करने वाला नहीं है, यहां पे भी कोई भी एटीपी यूज करने वाला नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, तो गैसेस के लिए। ओके यहां पर हम लोग नहीं पूछ सकते क्योंकि यहां पे आपको कंपल्सरी किसको यूज करना है, मेम्ब्रेन यूज होगा। ओके उसके साथ और कौन यूज होने वाला है, तो कैरियर मोलिक्यूल। ओके अब कैरियर माने क्या हुआ कि किसी भी मोलिक्यूल को एक साइड से दूसरे साइड पास करने में हेल्प करता है। जैसे हमारा व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं कोई भी व्हीकल लेके जा सकता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या बना कैरियर। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी हुआ क्या कि अगर कोई मेम्ब्रेन को जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं कि ये हमारा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में आपको कोई मोलिक्यूल हेल्प करता है, जैसे कि ये बना हमारा कैरियर मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को मुझे पास करना है, तो ये मॉलिक्यूल पहले कैरियर एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद वो यहां से उसको रिलीज कर देता है। मतलब कि ये यहां पे आ जाएगा और बाद में हमारा मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाता है। तो ये क्या हुआ कि वो खुद ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, बट उसको ट्रांसपोर्ट करने वाली एक सिस्टम बनाई, बट विद इन मेम्ब्रेन कौन है, तो कैरियर मॉलिक्यूल। तो ये यहां पे उसके लिए एग्जांपल होगा। बट ये जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो हम लोग ट्रांसपोर्टिंग प्लांट जब चैप्टर आएगा उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्या कि व्हाट आर द मैकेनिज्म बिहाइंड द डिफ्यूजर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजर और एक्टिव। ओके बट एक्टिव है आपको एग्जांपल याद रखना है क्या, तो Na+ K+ पंप, मतलब कि सोडियम पोटेशियम पंप हम जिसको बोलते हैं, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा कि जिसमें आपको एटीपी भी यूज करना है, कंसंट्रेशन में रिवर्स मतलब कि लो टू हाई जाना है। ओके और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज रिएक्शन। अच्छा डिफ्यूजन की थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि हाई टू लो तो हो गया, एटीपी नहीं यूज कर रहा है गैसेस का, इसका मतलब कि यहाँ पे नो डायरेक्शन, मतलब कि कोई कभी भी डायरेक्शन फाइंड होगा नहीं। इसका एक एग्जांपल देते तो क्या होगा कि जैसे कि आपके पास एक बीकर है, चलो इसमें मैंने वाटर रख दिया, अब मैं इसी इंक का अगर मैं एक ड्रॉप भी रखने वाला हूं इसमें, चलो समझ लो कि ये ब्लैक इंक का मैंने एक ड्रॉप रख दिया, तो क्या होगा सिर्फ इतना एरिया ही ब्लैक होने वाला है कि पूरा वाटर ब्लैक हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर पूरा वाटर ब्लैक हो जाता है इसका मतलब क्या होगा कि हाई टू लो कंसंट्रेशन, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा डिफ्यूजन। मतलब कि यहाँ पे कभी भी कोई मेम्ब्रेन आपको रिक्वायर्ड नहीं। ओके तो मेम्ब्रेन कहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, फैसिलिटेटेड। तो इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दोनों एक्चुअली क्या है बट एक ही डिफरेंस क्या, मेम्ब्रेन और कैरियर मॉलिक्यूल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर इसी प्रोसेस में रिवर्स में जाता हो तो क्या बन जाता है एटीपी, मतलब कि यहाँ पे हाई टू लो है, यहाँ पे लो टू है, ये डाउन हिल है, ये अप हिल है, यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है, यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आपको कहाँ पे मिलने वाला है, वेल मेम्ब्रेन में। इतना आइडिया हो जाएगा डिस्कशन में। ओके अब यहां तक के डिस्कशन में हमने पूरे सेल के लिए प्रोटोक्रियोटिक फिनिश कर लिया। ओके यूकैरियोटिक का इंट्रोडक्शन फिनिश हो चुका है। अब यूकैरियोटिक में हम जो डिटेल में जाते हैं उसमें सबसे आउटर मोस्ट की बात की, सेल वॉल डिस्कस हो चुका है। अभी हमने सेकंड लेयर कंप्लीट किया, कौन सा, सेल मेम्ब्रेन। एक सिस्टम क्लियर कर लेते हैं अभी उसके बाद का कि जिसमें हम लोग सारे ऑर्गेनल डिस्कस करने वाले हैं। के लिए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, अब ये वाला एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब कि आपकी पहले तो ये किसमें प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियसली इन द यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है कि उसके पास वेल डेवलप कौन है, तो न्यूक्लियस। अब एंडो मेम्ब्रेन मतलब कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है कोई ना कोई फंक्शन के लिए। तो कंडीशन क्या होती है कि अगर हम बात करते हैं कि समझ लो कि ये हमारा कोई सेल है, तो इसमें सेंटर में कौन रहेगा, हमारा वेल डेवलप न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस के साथ कॉन्टेक्ट में कौन रहने वाला है, हमारा ईआर।
इसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस को कनेक्ट कौन कर रहा है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब इसी एंडोप्लाज्म में बात करें तो अगर उनकी सरफेस पे ऐसे रिबोसोम आपको मिल रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका टाइप आरिया, अगर नहीं मिल रहा तो वो टाइप आपका हो जाएगा एचडीआर। मतलब क्या हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको दो टाइप आएंगे, रफ और स्मूथ, मतलब कि स्मूथ ईआर और रफ ईआर। बट होता क्या है कि ईआर के साथ नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में कौन होता है तो दूसरा एक ऑर्गेनल आएगा यहाँ पे कुछ इस टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्गी बॉडी। चलो इसका ध्यान, मतलब क्या हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन होता है तो गोल्गी बॉडी, और उसके बाद उसमें से ऑर्गेनल रिलीज करने की बात आती है तब होता है कौन, तो लाइसोसोम और वेक्टर्स। ये एक इंपॉर्टेंट है क्या, तो ये सिस्टम किससे बने, तो न्यूक्लियस के साथ कनेक्ट हुए किस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड, कौन से सिस्टम, इसके लिए ट्रिक बनाते हैं। तो पहले जी याद रखो, मतलब की गोल्गी बॉडी, ई आर मतलब की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एल माने कौन, तो लाइसोसोम, डैश वी मतलब की गर्ल, वी याद रखना है आपको कि जी फॉर गोल्गी बॉडी, मतलब रियल में क्या होता है कि ईआर पहले होता है न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में से मटेरियल जाएगा तो वो बनेगा लाइसोसोम, बट जिसके पास स्टोरिंग कैपेसिटी है वो बन जाएगा क्या आपके लिए वेक्टर। तो इतने सारे जो सिस्टम को बोलते हैं हम लोग एंडोमेम्ब्रेन। अच्छा, तो बात आती है ऐसी कौन सी ऑर्गेनेल जो इसको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन में नहीं कंसिडर कर सकते, तो उसमें आएगा कौन, एक हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, दूसरा एक आएगा क्लोरोप्लास्ट, और एक तीसरा आएगा पेरिसाइटोसोम। ये तीन ऐसे ऑर्गेनेल है जिनका हम कभी भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका रीजन सबसे बड़ा है क्या कि इन सब का मेम्ब्रेन का जो मेकिंग है, केमिकल स्ट्रक्चर कंपोजिशन बोलते हैं, वो सबका सेम, बट इन तीनों का इनसे डिफरेंट है, इसलिए हम इसको कभी भी एंडोमेम्ब्रेन में इंक्लूड नहीं करते। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि इन सबका फंक्शन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे इनका सेपरेट फंक्शन है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, पेरोक्सिजोम फोटो रेस्पिरेशन या हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक करने के लिए, तो ये इनके लिए आएंगे। अच्छा, यूकेरियोटिक की बात आती है तब हम हमें एक चीज और क्लियर करनी है कि अगर प्लांट की कंपेरिजन करते हो तो प्लांट में आपको क्या मिलेगा, प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स माने क्या, तो वो क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको वहां पर मिलने वाली। बट अगर मैं एनिमल की बात करता हूं तो एनिमल में आपको स्पेशली क्या मिलेगा, तो वो होगा सेंट्रियोल। क्या मिलेगा आपको, सेंट्रियोल। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाएगा कि प्लांट में आपको प्लास्टिड्स मिलने वाले जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे लिपोप्लास्ट भी होते हैं, एलेरोप्लास्ट भी होते हैं, पर वो डिटेल में आएंगे तो डिस्कस करेंगे। और एनिमल में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लांट में नहीं है, तो उसमें कौन सा आएगा, सेंट्रियोल, जो हमारे नियर में सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इतना डिस्कशन किसके लिए आएगा, एंडोमेम्ब्रेन। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एंडोप्लाज्मिक गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि क्या, हम अगर नेक्स्ट लेक्चर से बात करें तो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। थैंक यू।